तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 16 का फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ये गिवन है एक ब्लॉक को इसके ऊपर प्लेस किया जा रहा है वेज के ऊपर, तो कितनी एक्सलरेशन से मैं वेज को पुश करूं? ये तो रट गया होगा क्वेश्चन। एक्सलरेशन क्या आता था? जी टैन थीटा, याद होगा एक्सलरेशन जी टैन थीटा। तो कितनी एक्सलरेशन से वेज को पुश करूं सो दैट ये ब्लॉक रेस्ट पे नहीं चाहिए उसे, कहां मूव करे? ऊपर मूव करे, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दे। हमने ये किया था कि जब आप इस वेज को यहाँ पुश करेंगे तो इसका वेट क्या है? एम जी, और ये क्या है? थीटा। ये क्या बनेगा? एम जी कॉस थीटा। नीचे की तरफ फोर्स क्या बनेगी? एम जी साइन थीटा। और ये समझाया था कि जब आप इस वेज को, देखो इसने स्लिप करना ही करना है, जब आप इस वेज को यहाँ एक्सलरेट करेंगे तो इस मास पे क्या लगेगी? सूडो फोर्स एम ए, ऐसी था। और फिर एम ए का भी एक कॉम्पोनेंट था कि अगर ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग से थीटा है, तो ये कॉम्पोनेंट क्या था? एम ए कॉस थीटा। अगर आप ये चाहते हैं कि ब्लॉक रेस्ट पे रहे तो नीचे की फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऊपर की फोर्स, आंसर आ जाएगा। पर अगर आप ये चाहते हैं कि ये रेस्ट पे ना रहे, ये ऊपर जाना शुरू कर दे, तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऊपर जाए तो यानी कि एम ए कॉस थीटा की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा। तो एम से एम क्या हो गया? कैंसल। तो एक्सलेशन की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन जी टैन थीटा। तो ग्रेटर देन आंसर आएगा, इक्वल टू नहीं आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक को कहां जाना है? ऊपर जाना है। कोई डाउट इसमें? तो पढ़ना पड़ेगा, ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है तो दोनों बराबर कर देंगे, ब्लॉक को ऊपर लेके जाना है तो ऊपर की फोर्स बड़ी है और नीचे की फोर्स छोटी है। ठीक है, तो बाकी डायग्राम एग्जैक्टली सेम है जैसे हम नॉर्मल करते आए हैं, बिल्कुल सेम है। कोई डाउट इसमें? अगर जी साइन थीटा पड़ेगा तो ब्लॉक नीचे आना शुरू हो जाएगा, सूडो फोर्स का कंपोनेंट सफिशिएंट नहीं है इसको रोक के रख सके, फिर स्लिप करता वो नीचे आ जाएगा। तो अगर नीचे लेके आना है तो ये बड़ा और ये छोटा, ऊपर लेके जाना है तो ये बड़ा ये छोटा, रेस्ट पे रखना है दोनों बराबर, तो तीन केस बनेंगे और चौथा केस ही नहीं है। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे एक बार देखो। इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टूडेंट है 60 kg का और यहां पर एक स्टूडेंट है 70 kg का। 60 kg वाले को ऊपर चढ़ना है रस्सी पे और हम ये चाहते हैं कि मिनिमम एक्सलेशन ए नॉट कितनी हो बी स्टूडेंट की, जिससे कि वो ऊपर चढ़े ताकि ए स्टूडेंट लिफ्ट हो जाए, ऊपर की तरफ उठ जाए। देखो उसने बिल्कुल भी नहीं कहा कि ए स्टूडेंट को एक्सलरेट करवाओ कि ये उड़ता 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 ऊपर आ जाए, बिल्कुल भी नहीं कहा उसने। उसने कहा कि बस ये लिफ्ट हो जाए। लिफ्ट का मतलब समझते हो कि बस इसके पैर जमीन से कॉन्टैक्ट लूज कर जाए, फिर उसके बाद ये चाहे नीचे गिर जाए, एक बार इसके पैरों को यहां से हटाना है हमने, इसे बोलते हैं लिफ्ट करना। अब पहला केस, अगर ये 60 kg का स्टूडेंट यहां लटका रह जाएगा तो सारी उम्र ये 70 kg का मास ऊपर उठ नहीं पाएगा, क्योंकि नेट वेट इसका 70 g है, इसका 60 g है, तो 60 g 70 g को तो उठा नहीं सकता, बात खत्म है। तो क्या करना पड़ेगा इसे कि ये उठ जाए? ऊपर एक्सलरेट करना पड़ेगा। हमने लास्ट टाइम ये बहुत केस डिस्कस किए कि कोई रस्सी से अगर एक्सलरेट करता है तो रस्सी में टेंशन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, और मैंने आपको ये हिंट भी दिया था अगर कोई रस्सी पे बहुत तेज एक्सलरेट करे उसको मना कर देना तो ये रस्सी टूट जाएगी। आराम से चढ़ते हुए आराम से चढ़ना चाहिए, एक्सलरेशन ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, यही तो ये चाहता है। ये क्या करेगा? अपनी एक्सलरेशन बहुत तेज कर देगा, इससे क्या होगा? टेंशन बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ने से क्या होगा? ये बंदा लिफ्ट हो जाएगा। तो ये कहते ऐसा करता हूं मैं, फटाफट फटाफट एक्सलेट कर देता हूं। मैंने कहा कितनी एक्सलेशन? कहते 100 की एक्सलेशन। मैं 100 कैसे? कहते चल 150 की एक्सलेशन, क्योंकि लिमिट ही ना, अपर लिमिट तो है ही नहीं उसने, आपने कौन सा उसे असली में चढ़ाना है, एक वैल्यू तो बोलनी है उसने भी। तो कहते मैं बहुत एक्सलेशन से ऊपर चढ़ जाऊंगा, तो इसीलिए क्वेश्चन ने क्या बोला? बहुत तेज मत चढ़, मिनिमम, कहीं रस्सी तोड़ दे तो मिनिमम एक्सलरेशन, तेरी कम से कम एक्सलरेशन क्या हो कि ये जो मैन है वो अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दे। समझ में आ रहा है वर्ड मिनिमम क्यों है? क्योंकि एक्सलरेशन तो इनफाइनाइट भी हो सकती है और फिर तो ये उठ ही जाएगा, पक्की बात है, तो इसलिए मिनिमम वर्ड बोलना जरूरी है।
समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो एक्सक्लेमेशन वर्ड सफिशिएंट नहीं होगा इसके लिए। तो रूल नंबर वन, यहाँ से 70 केजी स्टूडेंट का फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? ये 70 जी है, पहली फोर्स है। रस्सी में क्या आ जाएगी? टेंशन। देखो टी एंड टी तो दोनों तरफ सेम ही आएगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रस्सी में टेंशन आएगी, और जमीन पे खड़ा है तो ग्राउंड इस पर क्या लगाएगी? नॉर्मल रिएक्शन। तो 70 केजी का जो मैन है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा? नीचे की तरफ 70 जी, ऊपर की तरफ टी, ऊपर की तरफ एन, ये तीन फोर्सेस ऐड कर रही है। और ये बंदा यहां पे खड़ा है, तो यानी कि एन प्लस टी की वैल्यू क्या है? 70 जी है, जब ये रस्सी लेके खड़ा हुआ है, चल तो रानी है ये। अगर आप चाहते हैं ये अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दे, जब भी किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में ये वर्ड आ जाए ना कि जमीन से कॉन्टैक्ट छूट गया, तो जमीन कहती है देख मैं तेरे पे अब कोई फोर्स लगाऊंगी नहीं। और जमीन क्या फोर्स लगाती है इस मैन पे? नॉर्मल रिएक्शन। कॉन्टैक्ट छूटने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन इमीडिएटली क्या कर देना है? जीरो। एन जीरो का मतलब इसने जमीन से कॉन्टैक्ट छोड़ दिया। तो क्लियर है यहां तक? क्योंकि अगर जमीन पे पैर रखेगा ही नहीं तो नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा? अर्थ से कॉन्टैक्ट छूट गया, ग्राउंड से कॉन्टैक्ट छूट गया, तो टी की वैल्यू क्या आएगी? 70 जी। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दे, तो रस्सी में टेंशन क्या चाहिए? 70 जी। तो फिर लो इसको, ये जो बात है ये किसे पता लग गई? स्टूडेंट 60 जी को पता लग गई कि यहाँ पर रस्सी में टेंशन क्या चाहिए थी? 70 जी। तो अब 60 के जी का फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की तरफ फोर्स क्या है? 60 जी। इसे पता लग गया कि रस्सी में टेंशन क्या चाहिए? 70 जी। तो ये अपनी कैलकुलेशन 70 जी से कर देगा, और ऊपर की तरफ क्या करेगा? एक्सेलरेट। तो बड़ी फोर्स क्या है? 70 जी। छोटी फोर्स क्या है? 60 जी इज इक्वल टू 60 इंटू एक्सेलरेशन। निकालना जरा, ए नॉट कितना आ रहा है? कितना? 5/3। सही है, ऐसे किया था। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है कि कॉन्टैक्ट छोड़ने के लिए एन जीरो कर देंगे, वहीं से पता लगेगा टेंशन क्या। मतलब आप ये क्वेश्चन का आंसर 60 केजी वाले इंसान से कभी ना पूछे, वो कभी आंसर दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो अपने से बहुत तेज एक्सलेट कर देगा। तुम ये पूछो कि तेरे को उठाने के लिए क्या चाहिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट यहां से नहीं, क्वेश्चन स्टार्ट यहां से होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू डिसाइड 70 जी करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने का हो गया? वैसे ये हो गया। देखो क्वेश्चन है, एक बैलून है, एक बैलून को ना इस ब्लॉक से हमने बांध दिया, और क्वेश्चन है कि मास ब्लॉक का 2 केजी है, रस्सी में टेंशन 30 न्यूटन गिवन है, बैलून की रस्सी में टेंशन 30 न्यूटन गिवन है ड्यू टू विंड, स्ट्रिंग ने एंगल थीटा बना लिया, हवा चल पड़ी तो बैलून टेढ़ा हो गया और थीटा एंगल पे चला गया, तो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों गिवन है आपको। नेक्स्ट है, एज्यूम ब्लॉक इज स्मॉल, सो द फोर्स ऑन द ब्लॉक फ्रॉम द विंड कैन बी इग्नोर्ड। कह रहा है कि 2 केजी के ब्लॉक को विंड पे कोई असर नहीं है, विंड इसको हिला पा रही, विंड बैलून को हिला पा रही है, तो बैलून तो टेढ़ा हो गया विंड की वजह से, पर ब्लॉक वैसे का वैसा ही है। तो आपको इस डायग्राम से बताना है कि एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब हवा इसे लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ लेके जाएगी सिस्टम को, और ऊपर भी लेके जाएगी, तो ऊपर जाने की एक्सेलरेशन क्या होगी और राइट जाने की एक्सेलरेशन क्या होगी, तो आंसर निकाल लें। मुझे जो समझ में आ रहा है, बस इसमें मुझे दो फोर्सेस दिख रही हैं, एक टेंशन और एक वेट। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये क्या बनेगा, इसका वेट कितना है? 2g बन गया। यहाँ पे क्या बनेगी? टेंशन टी एंड टी, ये भी क्लियर है। टेंशन के बनेंगे कॉम्पोनेंट्स, पहला कॉम्पोनेंट टेंशन की वैल्यू 30 है, तो 30 साइन थीटा, क्योंकि थीटा इस तरफ है
तो इस तरफ क्या बनेगी 30 cos थीटा, ऐसे ये बना ले। तो 30 टेंशन की वैल्यू 30 है, तो 30 cos थीटा और 30 sin थीटा। तो अब अगर इस बॉडी 2 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ x में देखें और पूछूं कि x में क्या फोर्स है, तो x में क्या फोर्स दिखाई दे रही है आपको, 30 sin थीटा, sin थीटा x में बस यही फोर्स है और तो कोई फोर्स नहीं है। और sin थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 3/5, 3/5 कितना आ गया 18 न्यूटन। तो x की फोर्स कितनी है 18 न्यूटन, तो x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितनी है, फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ गया 9। तो एक आंसर आ गया x में, तो x की एक्सेलरेशन आ गई, यहां तक क्लियर है। जब x की एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो सारे वेक्टर सिर्फ और सिर्फ x के ही देखे जा रहे हैं बस। अब बात करते हैं y की, y एक्सिस में फिर से 2 kg का डायग्राम है, 2 kg के y एक्सिस में फोर्स कितनी है 2g, और ऊपर की तरफ कितनी है 30 cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5, तो कितना आंसर आ रहा है 24। तो अब ये बड़ी फोर्स है और ये कितनी है 2 g 20, ये छोटी फोर्स है, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा ay एक्सेलरेशन के साथ। इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से सॉल्व करके एक्सेलरेशन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें, तो x की एक्सेलरेशन में x की फोर्स, y की एक्सेलरेशन में y की फोर्सेस, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई डाउट इसमें, x और y की एक्सेलरेशन क्लियर है कैसे निकलेंगी, ठीक। तेरे पास केवल एक ही फोर्स है टेंशन, और तुमने टेंशन के वेक्टर बना लिए टी कॉस टी साइन, तो एक्स में सिर्फ इस ब्लॉक पे एक ही फोर्स है गिरी। इसे सॉल्व कर लिया, फोर्स को मास से डिवाइड किया एक्सेलरेशन, और वाई एक्सिस में दो फोर्सेस हैं, इसका वेट भी है और ये टेंशन की फोर्स भी है, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, सही है। नेक्स्ट है 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, हो गया 7, इजी है, एक ही बहुत इजी है, इजी नहीं बहुत इजी है, इसमें करना ही कुछ नहीं है। एक रस्सी है, फ्रिक्शन है नहीं, पुली फिक्स है, मूव करना नहीं पुली ने, तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, नीचे, इसका वेट क्या है mg, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इसका वेट क्या है सेम mg, तो डायग्राम वही 30 डिग्री, तो यहां पर क्या बनेगा mg cos of 30, और नीचे की तरफ क्या बनेगा mg sin of 30, और नॉर्मल रिएक्शन क्या है NSA, और यहां पे टेंशन क्या बनेगी TNT, यहां पे टेंशन क्या बनेगी TNT, यहां पर भी टेंशन क्या बनेगी TNT। टेंशन तो एक ही रस्सी एक है, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन क्या बनेगी mg माइनस टी इज एम इन टू ए। क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, क्योंकि जब ये नीचे जाएगा तो ये नीचे जाएगा, कौन सी फोर्सेस इसको नीचे लेके आ रही हैं, एक फोर्स तो टी है और एक फोर्स एम जी साइन 30 है। ये लो मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉल्व कर लो, ए निकाल लो आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक,